झनक के आते ही अनिरुद्ध करने वाला है घर में बड़ा ऐलान। वह दोस्तों, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक का अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अब झनक फाइनली बोस हाउस में आ गई है और बोस हाउस में आते ही उसके तमाशा हो गया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि फैंस तो ये जानते ही थे कि जब झनक बोस हाउस में आएगी तो तमाशा तो भाई होगा ही, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। झनक को जैसे ही अनिरुद्ध घर के अंदर बुलाता है, सबके सब लाइन से झनक को सुनाने लगते हैं। सबसे पहले दादी जो है वो कहती है, ये लड़की इस घर में कैसे आई, तुम्हें किसने परमिशन दी। तो इस बात पर अनिरुद्ध जो है वो सबकी शक्ल देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब झनक कहेगी कि मैं उसका ख्याल रखने आई हूँ, तो यहाँ तनुजा जो कि उसकी सास है वो कहेगी कि ऐसा है, हम उसका ख्याल रखने के लिए हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो वहीं पर शुभो जो है वो भी खूब सुनाता है झनक को। बिपाशा का चेहरा भी देखने लायक है क्योंकि वो तो हैरान हो गई। अब हॉस्पिटल का भी सीन था जहाँ पर हमने देखा क्लियरली किस तरह से अनिरुद्ध जो है घर वालों पर चिल्लाता है और कहता है कि प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए कि झनक को ना मेरे साथ रहना ही होगा, और जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक तो रहना ही होगा। ये बातें जो है अनिरुद्ध जब सबके सामने हॉस्पिटल में कहता है तो यहाँ पर अर्शी भड़कती नजर आई थी। अर्शी कहती है, ठीक है फिर तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं दुबई चली जाती हूँ। लेकिन अनिरुद्ध एक बात याद रखना, जब मैं दुबई से वापस आऊंगी ना, तब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेती हूँ। ये बातें जो है भाई अर्शी कह देती है अनिरुद्ध को। इसके बाद अब झनक बोस हाउस में पहुँच गई तो सबके सब जहाँ चिल्ला रहे थे तो वहीं पर अनिरुद्ध जो है वो कहता है कि एक मिनट, झनक को यहाँ मैंने बुलाया है। ये बात सुनते ही सबके तो तोते फेल हो जाते हैं क्योंकि सबको ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि अनिरुद्ध जबरदस्ती झनक को बोस हाउस में ले आएगा। हालांकि झनक तो कुछ बोल ही नहीं रही है, झनक एकदम शांत खड़ी है, सिर्फ वो अनिरुद्ध का वेट करती है कि अनिरुद्ध कब इन सबको जवाब देगा। और इस बार तो अनिरुद्ध ने जवाब भी दिया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जिस तरह से अब अनिरुद्ध को झनक की कद्र हो रही है, ये चीज देखकर फैंस तो भाई बेहद खुश है। इवन फैंस जो है वो तो अब ये भी कयास लगा रहे हैं कि अब जल्दी झनक अनिरुद्ध दोनों क्लोज भी आएंगे, क्योंकि अर्शी तो है नहीं और यहाँ झनक अनिरुद्ध की केयर करेगी। पर आपका क्या कहना है शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, अर्शी चली गई है उसको लेकर? कमेंट करके दोस्तों अपनी राय बताइएगा। इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।